नमस्कार। मुंबई के धरावी इलाके में एक शख्स की बीते मंगलवार की रात चाकू गोद कर निर्मम हत्या कर दी गई। रात 9 बजे हुई इस वारदात के वक्त मृतक अपनी पत्नी के साथ कहीं जा रहा था। पुलिस के मुताबिक घटना में मारे गए शख्स का नाम जाहिद है और वह वॉचमैन का काम करता था। हमले के दौरान जाहिद को बचाने की कोशिश में उसकी पत्नी भी घायल हो गई। पुलिस ने दो अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। जाहिद पर चाकू से कई वार किए गए जिससे वह बुरी तरह से घायल हो गया और आनन फानन में सायन अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में मृतक और हमलावरों में आपसी रंजिश का मामला सामने आया है। आप सभी को बता दें, धरावी की जिस 90 फीट रोड पर सरेआम इस शख्स की निर्मम हत्या की गई है, वहां काफी भीड़भाड़ वाला इलाका है। जिस जगह जाहिद पर जानलेवा हमला हुआ वह धरावी पुलिस स्टेशन से कुछ ही दूर पर स्थित है। ऐसे में पुलिस पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है। आप देख रहे हैं एसपी अपडेट यूट्यूब चैनल। मुंबई महाराष्ट्र की सभी ताजा खबरें पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में घंटी के बटन जरूर दबाएं। थैंक यू।